वो टेंशन ले गया बंदा, उड़ा दिया दो पोल उड़ा दिए। हैवी ट्रक का जो नॉर्मल का जो पैकेज है वो, ये जो रसिया है ना ये मस्खरा नहीं है, ये पूरा गेम है इसका। ऐसा करने का अलाउड है? ये मर्सिडीज पे भी लाइसेंस दे रहे हैं पाजी, इसका क्या है मर्सिडीज? होटल बहुत अच्छा है आज वाला, लेकिन मेरे को बेसमेंट में जाना है। होटल क्लियर करने के लिए ग्राउंड लेवल पे आना पड़ता है, फिर बाद में गाड़ी लेने के लिए बेसमेंट में जाना पड़ता है भाई। B1 हाँ, गाड़ी स्टार्ट हो गई। लेवन अप हाँ। दुबई में आके अगर आपको थोड़ी बहुत ही गर्मी महसूस होती है ना अंदर, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा मौसम ऐसा होता है, हम उधर से आते हैं ठंडे एरिए से, तो भाई लेवन अप सुबह सुबह उठ के पी लो। हमने 2-3 दिन हो गए अभी लेवन अप पीना शुरू किया, पहले मेरे को याद नहीं था। और ये गाड़ी जो है ना, लैम्बोर्गिनी, वाओ। सत श्री अकाल एवरीबॉडी, की हाल चाल? चढ़दी कला, चढ़दी कला ही होनी चाहिए। हां, चाइनीज रेस्टोरेंट है देखो। सारी चाइनीज रंका भैया जी। ये हनी को गाड़ी पसंद आ गई, बोलती लेके जाना है, बोलती है, बोलता है, बोलती है। ये डबल डेकर बस हनी, वाओ कितनी लंबी है। हां देखा स्टेटस वाला ये भाई हमारे पीछे पीछे है स्कूल में, हमने अभी यहाँ एडमिशन ली हुई भाई। ठीक हो गया, यहाँ चलाते हैं कारें वारें। सही हो गया। ओके, ये एक चीज बाकी रह गई थी वो भी पूरी कर लेते हैं, ड्राइविंग स्कूल दुबई का। पाजी ने हमको बुलाया किसी और काम से था, लेकिन जब हमको मालूम पड़ा कि ये वाली यूनिफॉर्म डाल दें तो भाई जट से पहुंच गए हम अपने माइक और कैमरा लेके। पाजी का नाम, पाजी बताओ। मेरा नाम इरफान है और मैं दुबई में पिछले 30 साल से रह रहा हूँ। ये जो चार लाइनें होती ना, इसका मतलब होता है कि ये बड़े बड़े अफसर हैं स्कूल में। हाँ जी, काफी सीनियर हैं। मैं यहाँ पे जो है असेसमेंट एग्जामिनर हूँ हेवी बस का, बाइक्स का। यही आपको समझाएंगे इसमें कि आप जो है कैसे एडमिशन ले सकते हो। आजकल हम लोगों ने बहुत एक अच्छा सिस्टम शुरू किया हुआ है 50% करके। स्टार्ट हम करेंगे कि अगर मैं आया वर्क परमिट के ऊपर या लेबर में, तो मैं कार का लाइसेंस ले सकता हूँ? बिल्कुल आप ले सकते हो। उसकी रिक्वायरमेंट क्या होगी, कोई पेपर चाहिए कंपनी से? पहले होता था हाँ। लेकिन अभी वो सिस्टम नहीं है। अच्छा, अभी सिर्फ जो है एमिरेट्स आईडी हाँ, और आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए, वीजा वैलिड होना चाहिए। अच्छा, कितना पैसा है फिर उसका कार का? कार का ये जो है तकरीबन 4,300 तक रहता है नॉर्मल पैकेज। ये जो है मैनुअल के लिए फुल पैकेज भी है। इसमें जो है आप 3 नॉलेज टेस्ट तक जा सकते हैं। अच्छा, लिमिटेड है इसमें 4,000 वाले में? 4,000 वाले में नहीं, 7,500 में। अच्छा, 4,000 वाले में आप टेस्ट तक जा सकते हो, फाइनल टेस्ट तक जा सकते हो। वो भी आपका सब एक साथ में पास होना चाहिए, 1x1। अच्छा, अगर किसी में रह गया तो फिर उसका अगर पैसा? वो उसका जो है फिर एक्स्ट्रा होगा। अच्छा, ये बिल्कुल बेसिक हो गया। जी जी, 7,500 वाले में फिर आप फ्री देते सब कुछ? हाँ, उसमें जो है लिमिट होता है जो नॉलेज टेस्ट जिसे बोलते हैं सिग्नल हाँ। वो जो है फिर आप जो है 3 टेस्ट तक आपके लिए माफ है, उसके बाद में अगर आप फेल हो गए तो आपने पेमेंट करना है। इंटरनल टेस्ट 6 times, असेसमेंट अनलिमिटेड है रोड पे। अच्छा, और फाइनल टेस्ट 6 times। 6 बार मौके मिलेंगे, 6 मौके मिलेंगे आपको फ्री। बिल्कुल, अगर कार का लाइसेंस लेते सबसे पहला स्टेप क्या होगा कार का लाइसेंस का? जब आपका आई टेस्ट हो जाता है उसके बाद में 40 classes होते हैं इसमें। 40 classes में आपने जो है ये पूरा ट्रेनिंग करना है। यहाँ पे प्रैक्टिस करवाते हैं स्लोप की। तो पहला स्लोप का टेस्ट होगा वहाँ पे? पहले स्लोप का टेस्ट होता है। स्लोप का टेस्ट कैसे? जैसे ऐसे चढ़ाई के ऊपर खड़ा करके कार को टेस्ट करते हैं कि पीछे तो नहीं जाती? एग्जैक्टली, अगर थोड़ी भी पीछे गई तो आप फेल है। फिर उसके बाद में दूसरा टेस्ट कौन सा होता है? इमरजेंसी ब्रेक का होगा। अच्छा, इमरजेंसी, ये यहाँ पे इमरजेंसी ब्रेक है, इमरजेंसी ब्रेक का होगा। फिर हम लोग राइट लेके फिर पैरेलल पार्किंग होता है। अभी वो टाइम है जब आपने लिया था वो तो एक अलग, लेकिन यहाँ पे ये ऑस्ट्रेलियन ट्रेनिंग बोलते हैं इसको। हम लोग का फाइनल टेस्ट होता है RTA के साथ होता है, जिन्होंने कंडोरा पहना होता है वो लोकल बंदे होते हैं। हाँ, वहाँ पे जो है मोस्टली लोग जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, डर जाते हैं इस वजह से फेल होते हैं वहाँ। अच्छा, और एक और चीज, जैसे मैं ट्रक ड्राइवर या किसी लेबर के वीजे के ऊपर हूँ तो मैं कार का लाइसेंस ले सकता हूँ कि उसके लिए कंपनी का पेपर चाहिए? नहीं, अभी वो सिस्टम नहीं है। नहीं है ना, हमारे टाइम पे था। अभी आपके पास एमिरेट्स आईडी है, उनको नो ऑब्जेक्शन चाहिए। जहाँ पे आप जो है अगर दूसरे एमिरेट्स से आते हो, दूसरी कंट्री से आ रहे? नहीं, एमिरेट्स से। अच्छा, शारजा से, क्योंकि दुबई दुबई है। तो मेरे को लाइसेंस लेना हो तो मैं ले सकता हूँ यहाँ पे? डिस्काउंट मिलेगा? डिस्काउंट मिलेगा बिल्कुल, डेफिनेटली 50% तो मैं देता हूँ आपको डिस्काउंट। फोर्कलिफ्ट में भी 2 categories हैं, छोटे और बड़े। ऐसा रफ आइडिया बता दो कितना खर्चा आता है फोर्कलिफ्ट का?
वहाँ पे जो है सेम यही तकरीबन 5000 तक उसका नॉर्मल। हमारे मतलब के बंदे हैं भाई ये भी, इनके पास में ट्रक है हमारा और ये उस्ताद सिखा रहा है और बंदा सीख रहा है। यार अपरा ट्रॉस गाड़ी है इनके पास में मर्सिडीज की, जगह हमारा टाइम था तब हीनो गाड़ियाँ थी नाक वाली, अभी काफ़ी कुछ चेंज हो गया, तरक्की हो गई इन चीज़ों की भी। बाकी ट्रक के लाइसेंस के बारे में भी उनसे बात करेंगे उस्ताद से, ये करा रहे हैं इनको रिवर्स करा रहे हैं। जी जी आप इनको जो है ऑफसेट रिवर्स करवा रहे हैं। आप ये लगनी नहीं चाहिए इन पोलों से, ये वाइट लाइन के मिडल में होना चाहिए और लगनी नहीं चाहिए। वो लग गया, लग गया, फेल हो गया बंदा। उस्ताद की बेइज्जती करा दी अभी उसने। अभी एक और मारेगा पोल में, वो टेंशन ले गया बंदा, उड़ा दिया दो पोल उड़ा दिए। हो जाता है भाई जब कैमरा सामने आता ना तो बड़े बड़े बंदे ट्रक इधर उधर हो जाता है भाई, कोई चक्कर नहीं है। ये ऐसा गया इधर से और ऐसा घूम के ऑफ साइड रिवर्स लगा रहा है। वो लगा दिया बंदे ने भाई बैक करके, वो वहाँ पे गलती होगी तो माइनस पॉइंट हो जाएंगे। अपने नहीं, उसी टाइम स्टॉप फेल, फेल टच हो गया फेल, इमीडिएट फेल। अभी अपने को क्या मालूम गाड़ी अंदर अंदर उस्ताद ने उसको पीटा भी होगा भाई, ये तो तुमने कांड कर दिया, उधर कैमरा ऑन है अभी तुम क्या कर रहे हो। रिवर्स का 4 मिनट का टाइम होगा ट्रक का, 4 मिनट में हो गया तो हो गया, तो फिर फेल है। टाइम से ऊपर हो गया तो फेल है, यहाँ पे लगाना है। दोनों टेस्ट है ये। हाँ जी, इधर यहाँ से अब जाएगा वहाँ पे और वहाँ से आएगा यहाँ पे। अच्छा अच्छा, सिर्फ दुबई के लिए भाई, जिनका वीजा दुबई का है और जिनकी जिनका काम दुबई में, उनके लिए। जो दूसरे प्रोविंस से बंदे आएंगे उनके लिए कानून अलग होंगे भाई। हैवी ट्रक का जो नॉर्मल का जो पैकेज है वो 5444 है, 5444 जो है वो नॉर्मल है, 5500 हो गया। हाँ, फर्स्ट टेस्ट तक पहुंचाना है, पहला टेस्ट। अगर तक इसके बीच में आप कोई भी फेल हो गए तो आपने पेमेंट करना है। ट्रक का पहले यहाँ से स्टार्ट होता है, बैकिंग का पहले ऑफसेट रिवर्स का होता है टेस्ट, फिर दूसरा, फिर वहाँ पे आप जो है स्लोप पे जाएंगे, तो उसके बाद में फिर आपको जो है फाइनल होगा। लेकिन आपको पूरे डिटेल्स में अगर बताना है कि सिग्नल जब हो जाता है, सिग्नल के बाद में आपकी क्लासेस हो जाते हैं 40 क्लासेस। सिग्नल में कितने दिन लग जाते हैं? सिग्नल में तो डिपेंड करता है कि अगर आप अच्छे हो, 8 कोर्सेज होते हैं, तकरीबन हफ्ते में हो जाता है। क्लासेस खत्म करके आपका असेसमेंट टेस्ट होगा, इंटरनल असेसमेंट बोलते हैं जो रोड पे हम लोग लेते हैं। अगर वो पास हो जाता है तो वो सीधा फिर आरटीए के साथ कनेक्ट होता है। तो फिर उसके पैसे रिवर्स के नहीं, वो पूरा इसी में है, पूरा पैकेज में, टेस्ट पूरा पैकेज में होगा, पूरा 44। अगर फेल हो गए तो एक्स्ट्रा पैसे, अगर ये बैकिंग में फेल हो गए कितने एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे? तकरीबन 7-8000 दिरहम। तो और अगर रोड में फेल हो गए एक बार पहली ट्राई में तो फिर तकरीबन 900 दिरहम तक। जितनी बार फेल हो गए उतने पैसे बढ़ते जाएंगे। और ऐसा रफ आइडिया कि कितनी देर में बंदा पास हो जाता है ट्रक का लाइसेंस लेके? अगर रेगुलर क्लासेस हो, सब कुछ अच्छा हो, 15 दिन के अंदर अंदर क्लियर हो जाता है, 15-20 दिन के अंदर। रोड भी? हाँ, सब कुछ अगर बिल्कुल सब सही चल रहा हो, स्केड्यूल सही चल रहा हो उसका, और टाइमिंग जो है रेगुलर क्लासेस हो, अच्छा चलाने वाला हो, आता हो तो थोड़ा बहुत। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, नया बंदा तो फिर 2-3 महीने लग जाते हैं, कम से कम 3 महीने रख लो। ये सारी कारें ही है ड्राइविंग वाली, देखो। ट्रक वाले उस्ताद से भी बात करेंगे, उस्ताद अभी थोड़ा सिखा रहा है अपने बंदे को, उसने अभी पोल से मार दिया ना, तो अभी उसके अंदर हो रही होगी थोड़ा फिटाई। एक बार थोड़ा फिर से मिल लेते हैं कैमरे में। ये आगे भाई ट्रक के उस्ताद। अभी ज्यादा तो नहीं मारा बंदे को उसने, पोल टच कर दिया? नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल। और ब्रा की हाल चाल है? ठीक ठाक हो? बढ़िया बढ़िया। चेता क्या हुआ? कितना टाइम लग जू लाइस लैन लगे? अगर नया बंदा है तो लगेगा तकरीबन क्लासों में भी 2-3-4 महीने तो लग जाता है। रोड के ऊपर कितना? रोड के ऊपर भी 40 क्लास तो रोड के ऊपर भी है, तो फिर ऑलमोस्ट 6 महीना लगा के चले। तकरीबन 6 महीने तो लग जाएंगे तकरीबन नए बंदे के लिए। भाई 6 महीने का टाइम है, ठंडे दिमाग से आओ, टाइम लगता है। जी लंबी सांस करके आओ। अभी कनाडा में भी 4-6 महीने लगने शुरू हो गए ना। अच्छा, अभी कनाडा में भी मेल्ट प्रोग्राम शुरू हो गया, पूरी 120 घंटे की क्लास लेनी पड़ती है। आपने लाइसेंस कब लिया? नहीं, मेरा लाइसेंस तो बहुत पुराना लाइसेंस है। कितना टाइम हो गया? मजा आएगा सुनकर। 30 साल तो हो गया तकरीबन, 30 साल पुराना लाइसेंस है मेरे पास। इतनी उम्र तो इसकी नहीं है जी।
मैं हैरान हो गया, नहीं नहीं इतनी उम्र इसकी नहीं है। मैंने खुद 96 में लिया था लाइसेंस। ये कितने पुराने बंदे हैं देखो जो सिखा रहे हैं। उस्ताद कभी गलत नहीं होता, टाइम ज्यादा कम लगता है, वो हमारी वजह होती है। उस्ताद तो सिखा रहा है। कितने उस्ताद जी बंदे निकाल दिए आज तक, आपने कोई आइडिया है? अनलिमिटेड है सर, 17 साल तुम लोगों ने यहाँ भी स्कूल पे हुआ, 17 साल हम दोनों एक साथ हैं। ये स्कूल के मतलब गेट हम लोगों ने खोला है। बिल्कुल, मैं यही हूँ। तुम्हें रोड के ऊपर बंदे गलतियाँ करते हैं, जब आप इस सीट पे बैठे हुए फिर कैसे कंट्रोल करते हैं? सीट डबल दो सीट है ना, स्टूडेंट ज्यादा कमजोर है तो सेंटर में बैठ जाते हैं। ये बड़ी बहुत बढ़िया बात होती है, उस्ताद को दिखाई पड़ जाता है कि बंदा कैसा है। रोड के ऊपर लेके जाएंगे तो कहाँ बैठना है, कि ये संभालेगा या नहीं संभालेगा। बिल्कुल एग्जैक्ट, हम लोग के पास ब्रेक होता है, देख सकते हैं हम लोग। जी बिल्कुल, जब स्टूडेंट गलती करता है तो फिर ये लोग दबा के उसको रोकते हैं। ये आपकी ब्रेक है? ये उस्ताद के लिए ब्रेक, बेशक। हाँ, और स्टूडेंट के पास अपने ब्रेक और क्लच है। मेरे जैसा कोई खराब स्टूडेंट आ गया ना भाई, तो ये फिर उस्ताद ब्रेक लगाता है यहाँ पे। जी जी बिल्कुल, मजबूरन लगाना ही पड़ता है। बड़ी गाड़ी है, बड़ी गाड़ी में खतरा ज्यादा होता है थोड़ा, बेशक। उस्ताद का नाम क्या है? लतीफ खान। लतीफ खान, अगर किसी भाई ने लाइसेंस लेना लतीफ खान के पास में आ जाओ भाई। जी जी, सही चलाता है भाई, सही सिखाता है भाई। ए उस्ताद सही है भाई। इनकी पूरी दुबई में ब्रांच है, यहाँ पे अलकूज में, जबल अली में है, हर जगह में, मोस्टली हर जगह में है। अल अहली ड्राइविंग सेंटर, अल अहली अलकूज में हमारा जो है मेन ऑफिस है। किसी का सेमी ट्रक ट्रेलर होता है ना बड़ा वाला? हाँ जी हाँ जी, उसी का होता है, और वो उसका जो है ये उस्ताद है। अच्छा, आप सिखाते हो? हाँ जी हाँ, वो भी ट्रेलर का। हाँ बिल्कुल, हम लोग के पास है, ट्रेलर भी है। अपनी मर्जी होती है इस पे टेस्ट देना है या ट्रेलर पे ही देना होता है? नहीं, अभी तो वो लाजमी हो गया, प्रैक्टिस इस पे करनी है। वहाँ पे सिर्फ जो है आपने रिवर्स करना है, बाकी होती रिवर्स की उसमें। जी जी जी, नए बंदे को। हाँ जी, बाकी जो है टेस्ट इस पे होता है। सही है उस्ताद जी, बड़ा बढ़िया लगा आपसे मिलके उस्ताद जी। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। ना ना, इन्होंने 100-200 बंदा बना के निकाला हुआ है। हमारी खुशकिस्मती है कि हम इनके साथ में खड़े हैं। शुक्रिया। इज्जत है हर एक उस्ताद के लिए, जो बंदा किसी को सिखा रहा है उसके लिए हमारी इज्जत है भाई। बहुत बहुत बड़ा अच्छा लगा इन लोगों के साथ में यहाँ खड़े होकर कि हाँ भाई ये ट्रक सिखा रहे हैं बंदों को। ये हमारा ही बंदा है भाई। कौन सा जिला, कौन सा पिंड है? मानसा जी। ये मानसा भाई, मूसियाड़े के पिंड तो भाई। सही सही, कितना पैसा लगा लाइसेंस का? लग गया 6-6.5 लाख रुपया। नहीं नहीं, यहाँ पे कितना लग रहा है स्कूल में? इस बार फीसें भरी जा रहे हैं जी। ने फुल पैकेज किए या नॉर्मल? नॉर्मल है जी, 5.5 हजार वाला। हाँ जी, अभी तक तो दूसरी है वर्ष की। या दूसरी है? कितनी मारेगा और? देखो जी, ऐसा चल ऊपर वाला करे यार, तू पास हो जाओ ना। जब एक बार फेल हो जाता है ना बंदा, तो बंदा डीमोटिवेट हो जाता है, फायदा कोई नहीं उससे। फेल हार तो बनी रहती है, हम तो सीख रहे हैं, हम कौन सा सिखा रहे हैं। बिल्कुल, तो इसलिए टेंशन नहीं लेने का है। मैंने खुद 10-12 बार पास किए, मजाक कर रहा हूँ। देख जिंदगी है ये, अप एंड डाउन। फेल हो गए पास हो गए, फेल हो गए पास हो गए। पास होना फेल होना था। फेल पास वही होता है जो मैदान में उतरता है। जो बाहर खड़े हो गए मेरे जैसा देख रहा है, उसको क्या मालूम है अंदर क्या चल रहा है ना। हाँ जी, ये जो रसिया है ना, ये मस्खरा नहीं है, ये पूरा गेम है इसका। बाप रे, ये क्यों बांधी हुई है उस्ताद जी बेल्ट आपने? इस पे तो आठिया वाले टेस्ट लेते हैं। बेल्ट कैसे बांधते हैं? जी हाँ, कैसे बांधते हैं, कैसे खुलते हैं? ये मैंने काम किया हुआ है बॉस ताजी, ये तो बड़ा आसान होता है ऐसे। ये मेरा यही काम है। ये मैंने 6 साल बहुत बांधा इधर। हाँ ऐसे भाई, इसको खोलते हैं तो ये उसको खोल के दिखाना पड़ता है पुलिस वाले को। पहले इसके लिए पूछते नहीं थे पहले वो, लेकिन अभी मसले हो गए ना, सेफ्टी के इशू हो गए, इसलिए उन्होंने ये बड़ी चीजें भी डाली हुई है। बाकी रह जाती है इसको प्रॉपर बांधना है भाई, क्योंकि लटकना नहीं चाहिए इसको, पूरा बंद करना चाहिए पूरा ऐसा। और भी कोई ऐसी चीज है? ये उस्ताद की बाइक है, बुलेवर्ड सुजुकी की है भाई, और दिखाएंगे आपको। वाह, पीछे ध्यान से चलो, आराम से उठाना उठाना नहीं है, ये उठने वाली नहीं है। ये स्टैंडर्ड बाइक है, क्रूज बाइक है। चलो, जो स्पोर्ट्स है आपके पास वो उठने वाली है। मस्त है गाड़ी, मस्त है। चलाओगी करण? ये ले लो, एक ट्राई मार के देख लेते हैं भाई। मैं दिया दे दूं? हाँ दिक्कत दे दो। हाँ ये लो दिक्कत दिया। मेरी गाड़ियों के ऊपर भी ये नंबर लगा हुआ है, बाइक के ऊपर भी यही नंबर लगाया हुआ है। चलो दुबई में बाइक भी चला के देख ली भाई। तो ये नंबर जो है, ये थोड़े से वीआईपी नंबर होते हैं। आप बंदे वीआईपी लग रहे हैं उनको सुबह से।
शुक्रिया आपकी। ये यूनिफॉर्म डाली हुई है ना, मैंने जब ये आए ना सुबह, मैंने बोला ये पक्का कोई आर्मी उर्मी का बंदा होगा, कि हमको ये, अब ये मेरे पास है, मैं बोले ये शोल्डर के ऊपर फीतियां लगी हुई ज्यादा, ये अफसर बंदे होंगे कोई, ये हमारे ही बंदे निकल आए। भाई तेरा शुक्रिया, गरम गरम चाय लेके आया। कितना हो गया भाई? 10 है ना? अलकूज वाले स्कूल के पास में भाई ये टी डेज वाले हैं, पाजी बोलते हैं कि बड़ी फेमस चाय है स्कूल में, ये हमारे उस्ताद थे, अभी पाजी हो गए क्योंकि अभी बाहर आ गए ना स्कूल से। तो यहाँ की जो है बहुत टेस्ट रहती है चाय। हाँ चाय तो अच्छी है, कड़क चाय पी के फटकना नहीं है भाई। तेरी तबीयत कैसी है आज? सही है ना? इसको सुबह सुबह मैंने गोली खिला दी थी पैन डोल की, मैं बोल भाई खा के चल, और जब सामने टेस्टी फूड देखता है ना फिर इससे कंट्रोल नहीं होता, फिर इसकी जो फीलिंग्स होती है बाहर निकल जाती है, फिर खा लेता है। मजे की बात बताता हूँ पाजी, मेरा नंबर पता कैसे ढूंढ रहे हैं? मैंने वो कभी कैलगरी में अपना सेल्फ स्टार्टर खराब हो गया था ना, तो उसके ट्रक के ऊपर उसका नंबर लिखा हुआ था, पाजी ने उसका नंबर सेव करके उससे मेरा नंबर मांग रहे हैं। आप यकीन करोगे खुदा की कसम कहाँ कहाँ तक मैं पहुंचा हूँ, मैंने ट्राई किया आपका नंबर। नहीं शुक्रिया, सच वल्लाह, हम जैसे बेकार बंदों के लिए आप इतनी मेहनत करते हो, तब जाके थोड़ा महसूस होता है कि नहीं यार हम कुछ तो अच्छा कर रहे हैं, जो आपका दिल लगा हुआ है हमारे साथ में। ये बस वाला आ रहा है, बस वाला ये हमको हिल के ऊपर चढ़ा के वो चेक करके बताएगा टेस्ट कैसे होता है, जो हिल वाला टेस्ट होता है ना वो वाला। फेल नहीं होना है, पास करना है। अभी अगर थोड़ी सी भी गाड़ी पीछे आई तो बंदा फेल है टेस्ट में। ऐसा करने का अलाउड है? ये फेल है, ये फेल है ना, ये झटका हो गया बहुत ज्यादा भाई, इतना एक्सीलेटर नहीं देना है, स्मूथ रखो, स्मूथ पैर को। पिछले काफी सालों से, लेकिन जब मैं नया था हालात मेरी भी ऐसी थी। ये मर्सिडीज पे भी लाइसेंस दे रहे हैं पाजी, इसका क्या है? मर्सिडीज पे लाइसेंस दे रहे हैं, ये वीआईपी सर्विस बोलते हैं उसको। कितने पैसे हैं इसके? इसकी जो है अराउंड 13,000 13,000 दिरहम। हाँ, और भी वीआईपी गाड़ियां के लिए मर्सिडीज होती है? नहीं नहीं, रेंज भी है, और ये जो है उन लोगों के लिए है जिनके पास पैसा तो हो लेकिन टाइम नहीं होता है, जल्दी जो है कोशिश करते हैं लाइसेंस निकालने के लिए। अच्छा, क्यू में नहीं खड़ा होना, वीआईपी सर्विस हो, वीआईपी सर्विस हो गई। और किसी ने भी अलकूज अल हली ड्राइविंग स्कूल में अगर एडमिशन लेनी है तो इरफान नाम है उस्ताद का, इनसे आके मिल सकते हो, ये आपको बता देंगे कि आगे क्या करना है और आपके लिए क्या ऑप्शन फिट बैठती है। सुबह से इनके साथ में काफ़ी टाइम स्पेंड किया, बंदे अच्छे हैं, तो लगता नहीं है कि हाँ आपको ख़राब होने देंगे, आपका पैसा ख़राब होने देंगे। तो क्लासें कब कब मिलती है? सुबह शाम? जिनको ड्यूटी की मुश्किल होती है, जो नहीं आ सकते हैं, हाँ। तो उनके लिए हम लोगों ने सिस्टम रखा हुआ है इवनिंग के क्लास। ये मसला मेरे को मालूम था कि ये मसला बनेगा, बहुत सारे भाई हमारे जो है काम से छुट्टी नहीं कर सकते क्योंकि पैसा चाहिए चाहिए, सबको काम चाहिए, तो शाम को भी क्लासें हैं। जी जी, मसला हल हो जाएगा भाई। 11 बजे तक हम लोग रहते हैं रात को। रात को हमारा एक बंदा बाहर वेट कर रहा है, अलकूज में आए थे ना, तो बंदों को मालूम पड़ गया, तो बंदे भी मिलने के लिए भी आ रहे हैं। ये भी इंस्ट्रक्टर है, ये भी इंस्ट्रक्टर है, आप भी इंस्ट्रक्टर हो? हम दोनों कुछ नहीं है, ये सब कुछ है। इनके पास में भाई अलग अलग लैंग्वेज में मोटरसाइकिल का लाइसेंस लेने के लिए भी आपके पास में फैसिलिटी है, अगर कोई भी लैंग्वेज में आपको प्रॉब्लम है तो यहाँ पे इनके पास में इंस्ट्रक्टर है, आपकी लैंग्वेज बोल सकता है वो। ऐसा है? बिल्कुल ऐसा ही है, बल्कि ऑल इन वन स्कूल है। जी जी जी, किसी भी चीज का लाइसेंस चाहिए भाई यहाँ पे उतरो, प्लेन का नहीं, प्लेन का तो नहीं देंगे ये, ऐसा उनका अलग होगा। पाजी का दिल कर रहा है, सुबह से मैंने रोके रखा हुआ था, मैं बोला पाजी रहने दो रहने दो, जिद कर रहे हैं, बोलो। गुड आफ्टरनून, अहलम सहलन, अस्सलाम वालेकुम, सस्रियकाल एवरीबॉडी, चढ़दी कला ही होनी चाहिए। सचकाल एवरीबॉडी, की हाल चाल? चढ़दी कला ही होनी चाहिए सारे, चढ़दी कला ही होनी चाहिए। बढ़िया बोला पाजी ने भी, सुबह से हमारे साथ में ना तो काफी रंग चढ़ा हुआ है। चलो मिलते हैं पाजी। चले, मैं ये भाई भाई बहुत दूर से आया हमसे मिलने के लिए, इसने कॉल की, बोलता है कहाँ पे हो, बाकी आऊंगा। शुक्रिया भाई तेरा। ठीक है भाई, एक व्लॉग को यहाँ पे एंड कर देते हैं, अगर आपका कोई क्वेश्चन हुआ तो कमेंट सेक्शन में बता देना, अगर आपको डायरेक्ट आके किसी से मिलना है तो यहाँ पे आके अंदर आके पूछ लेना कि इरफान जो इंस्ट्रक्टर हैं उनके सीनियर ही हैं सबसे। वीडियो अच्छी लगी है तो यार कोई भी एफर्ट, कोई भी हमारा जतन या हनी का किया हुआ कोई भी एफर्ट आपको अच्छा लगता है तो लाइक जरूर ठोका करो। हनी का ऐसा मानना है, मैंने वीडियो बनाई। हाँ, इसने पूरा कैमरा पकड़ा होता है, सुबह सारी मेहनत इसकी होती है कैमरे के पीछे। वैसे चलो सारा दिन हम एक दूसरे को मजाक करते रहते हैं, लेकिन भाई तो भाई है यार,
तो इसके लिए लाइक ठोक दो, इसकी मेहनत होती है, बोलता चाहे कम है लेकिन कैमरे की डायरेक्शन डिरेक्शन सारी चीज चेंज करता है। नए बंदे चैनल के ऊपर है वो सब्सक्राइब कर लो, बताओ दुबई सीरीज़ कैसी लग रही है, जो बंदों को बोर कर रहे हैं हम लोग तो भी बोलो, अगर बंदों का दिल लगा हुआ है तो भी बोलो। मिलते हैं कल एक और नई वीडियो में, टिल देन अपना और अपने बड़ा का ख्याल रखो, रब रखा। आज के दिन दो वीडियो हो जाएगी क्योंकि मैंने ये वाला कंसेप्ट जो है ना ड्राइविंग स्कूल वाला अलग से रखना है, ये अलकूज वाला था, बाकी एक व्लॉग और बनाएंगे। अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं। We can have the world.